आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स से बदला चुकता करने उतरेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। बेन स्टोक की वापसी से मजबूत बने राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल से होगा। वही हार का बदला चुकता करने की कोशिश राजस्थान रॉयल्स करेगी। वही दिल्ली ने पिछले सप्ताह रॉयल्स को यहां पर 46 रन से हरा दिया था। वही स्टीव स्मिथ की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम उससे सबक लेकर इस मैच में कड़ी चुनौती पेश करेगी। जब दोनों टीम पिछले बार एक दूसरे से भिड़ी थी तो राजस्थान रॉयल्स में बेन स्टोक नहीं थे। वही इंग्लैंड का ये ऑलराउंडर भले ही पिछले मैच में अपना जलवा नहीं दिखा सका हो, लेकिन उसकी उपस्थिति में ये पूर्व चैंपियन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज करके 4 मैचों की हार के क्रम को तोड़ने में सफल रहा है राजस्थान रॉयल्स। वही स्मिथ ने कहा है कि स्टोक की वापसी से हमारी टीम में अच्छा संतुलन पैदा हो गया है। उसने केवल एक ओवर किया क्योंकि अभी वह लॉकडाउन से बाहर निकले हैं, क्वारंटीन से वो बाहर निकले हैं और लैम में लौटने की वो कोशिश कर रहे हैं। वही स्टोक जहां राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही टीम के शीर्ष क्रम की असफलता से भी पार पाना टीम चाहेगी। वही शीर्ष क्रम की नाकामी के कारण निचले क्रम के बल्लेबाज पर यहां पर दबाव बन रहा है। वही कैप्टन स्मिथ और संजू सैमसन ने पहले 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला नहीं चला है। जस बटलर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 44 रन पर 70 यहां पर 44 बॉलों में यहां पर 70 रन बनाए थे, लेकिन वे भी पिछले 2 मैचों से अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स में राहुल तेवतिया अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो रॉयल्स की स्थिति और नाजुक होती है। वही किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ एक ओवर में 5 छक्के जड़ने वाले तेवतिया ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में 28 गेंदों में 45 रन बनाए थे। वही दूसरी तरफ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अपने पिछले मैच में मुंबई से दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा था। सैयद अय्यर की अगुवाई वाली टीम उस हार को भुलाकर फिर से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। दिल्ली के पास आक्रामक बल्लेबाज है और रबाडा की अगुवाई में उनकी गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है। रबाडा ने अब तक 17 विकेट आईपीएल में ले लिए हैं। वही हमवतन दक्षिण अफ्रीकी एनर नेज और हार्सिल पटेल का अच्छा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। वही रविचंद्र अश्विन भी अक्सर पटेल के साथ मिलकर अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैचों में। हालांकि मॉर्च स्टाइनिस के ऑलराउंडर खेल से दिल्ली को जीत मिली थी। वही स्मिथ को उम्मीद रहेगी कि स्टोक उनकी तरफ से अच्छी भूमिका निभाएंगे। वही राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी विभाग में जोफ्रे आर्चर के अलावा स्पिनर राहुल तेवतिया और शेष गोपाल लगातार मौका इनको मिलता रहा है। दिल्ली के बल्लेबाज विभाग में शिखर धवन की फॉर्म में वापसी सकारात्मक संदेश है।